हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने पैन कार्ड में फादर नेम कैसे करेक्शन कर सकते हैं, वो भी अपने एक स्मार्टफोन से। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या क्या करना है, सभी प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके लिए आपको सिर्फ एक आधार कार्ड की ज़रूरत है। अगर आपके पैन कार्ड में पूरा नाम फादर का मिस्टेक है तो उसके लिए भी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये प्रोसेस को कोई भी कर सकता है, जैसे कि CSEVL सिर्फ कर सकता है, भी कर सकता है, जो भी एक नॉर्मल सिटीजन भी कर सकता है इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना, अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको डेस्कटॉप में करके दिखा रही हूँ, आपको ईजी होगा समझने में। तो इसके लिए आपको गूगल ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको NSDL सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, यहाँ पर NSDL शो हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, डाउनलोड ई पैन का भी ऑप्शन है और नो योर स्टेटस का ऑप्शन है। तो अभी हमें यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में क्लिक करना है। तो उसके लिए हमें अभी करेक्शन करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर चेंजेस और करेक्शन पर एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कैटेगरी में हमें यहाँ पर इंडिविजुअल रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, श्री श्रीमती टाइटल में जो होगा अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरह से यहाँ पर पढ़ लेना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लास्ट नेम देना है, उसके बाद मिडिल में यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद मिडिल नेम देना है। ठीक है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद जो आप अपना नया ईमेल आईडी देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो, नया फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद एक बात मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो आप अपना करेक्शन करना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ या नाम, यहाँ पर करेक्शन वाला नाम या डेट ऑफ बर्थ ही डालना है। ठीक है, सबका प्रोसेस सेम है, डेट ऑफ बर्थ, नाम या फादर नेम कुछ भी करेक्शन करोगे तो वही प्रोसेस सेम इसी तरह से आपको करना है। तो अभी जो नाम करेक्शन करना चाहते हैं वो भी इस तरह से यहाँ पर कर सकता है, मगर यहाँ पर जो स्टार्टिंग में यहीं पर उनको जो करेक्शन वाला नाम है वो यहाँ पे उनको एंटर करना है। ठीक है, जो करेक्शन करना है वही यहाँ पर फिल करते जाना है। ठीक है, उसके बाद इस नेक्स्ट प्रोसेस करना है। वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर टिक करना है येस पर। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास पैन कार्ड है जिसमें करेक्शन करना चाहते हो वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाय सबमिटिंग डाटा पर यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कैप्चा जो है इसको फिल कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते अब यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अभी टोकन नंबर दिया हुआ है इस टोकन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर 4 स्टेप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस में पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट एंड डिटेल्स है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स है, 4 स्टेप है। तो आपको 4 स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, आप डिजिटली भी सबमिट कर सकते हैं, स्कैन बेस से भी सबमिट कर सकते हैं और फिजिकल बेस से भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बीच वाला जो ऑप्शन है स्कैन बेस, इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। ये वाला बहुत ही ईजी रहता है, आपको कोई भी फिजिकली डॉक्यूमेंट सेंड करना नहीं रहता है। अगर आपका इनकेस डिस्पेंसरी आ गया उसके लिए ही आपको सेंड करना रहता है एनेक्सियर फॉर्म ए, अदरवाइज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका डिस्पेंसरी नहीं आता है तो इसके लिए मिडल वाला जब आप सेलेक्ट करेंगे इसके लिए आपको फ़ोन नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है आपके आधार कार्ड में, तभी आप मिडल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इनकेस आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है फ़ोन नंबर, तभी आप ये फॉरवर्ड थर्ड वाला आप सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप ये मिडल वाला ही सेलेक्ट करके आप प्रोसेस को नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, अगर आपको बोथ चाहिए तो यहाँ पर येस कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर शो होने लगेगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर आधार ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है वो नंबर को यहाँ पर
फिल करना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम एज पर आधार, जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका नाम में कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पर आप फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका नाम करेक्शन करना है वो नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपने स्टार्टिंग में दिया था फिल करते टाइम वही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक ये फिल रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको पहले ही वहाँ पर सब करेक्ट नाम वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सब डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर अभी आपको अभी मुझे यहाँ पर पेरेंट्स डिटेल को करेक्शन करना है, जैसे कि फादर नेम, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेरेंट्स नेम को यहाँ पर जो आप करेक्शन करना चाहते हैं उसको यहाँ पर नीचे एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर आप फादर लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद फादर मिडिल नेम एंटर करना है। आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर एंटर करना है, जो करेक्शन करना चाहते हैं वही नाम वहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम पर ही टिक रहने देना है। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके आप इस प्रोसेस को सेव भी कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स देना है। उसके लिए आप यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस भी दे सकते हो, ऑफिस एड्रेस भी दे सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर एड्रेस अपना अच्छी तरह से फिल कर लेती हूँ। आप भी यहाँ पर अच्छी तरह से पोस्ट ऑफिस यहाँ पर एरिया लोकेलिटी डिस्ट्रिक्ट कंट्री नेम पिन कोड स्टेट सब अच्छी तरह से यहाँ पर दे देना है जो आपके आधार कार्ड में हो, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एड्रेस फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर टेलीफोन फोन नंबर ईमेल आईडी डिटेल्स जो यहाँ पर है इस पर भी टिक कर दीजिएगा। जो आपने वहाँ पर नंबर और ईमेल दिया है वही अपडेट हो जाएगा, ठीक है, पुराना वाला हट जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मैंने नंबर दिया था वो यहाँ पर शो कर रहा है और ईमेल आईडी भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो कंट्री कोड होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा इंडिया होता है तो इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आपको कुछ भी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपका सरेंडर हो जाएगा, तो आपका पैन डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स फिल नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन को आपको छोड़ देना। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर नंबर देकर उस नंबर को पैन कार्ड को सरेंडर करके डिलीट करा सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा हमें सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते अब यहाँ पर आप देख सकते थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते आई हैव enclosed पर यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमें यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी हमें आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ उसमें भी हमें यहाँ पर आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पैन यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ पैन है अगर आपके पास नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट्स क्लिक कर देना है, ठीक है। बट डिक्लेरेशन में आपको हिमसेल्फ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई वी हैव इनक्लोज पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में वन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपका प्लेस है वो यहाँ पर एंटर कर देना है, डेट ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको फोटो भी अपडेट हो सकता है अगर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो। उसके लिए आपको फोटो का साइज रहेगा 50 KB, आपको 50 KB के अंदर फोटो को रेडी कर लेना है। उसके बाद अपलोड करने के लिए अब यहाँ पर जो रेड कलर का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उस फाइल को या फिर उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। वैसे ही आपको सिग्नेचर के अपलोड करने के लिए यहाँ पर 50 KB में आपको सिग्नेचर को भी रेडी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर रेड कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके उस सिग्नेचर को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पर देख सकते सिग्नेचर भी कितनी अच्छी तरह से अपलोड हो चुका है। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो अभी हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड को 300 KB साइज़ में रेडी कर लेना है PDF फॉर्मेट में। उसके बाद हमें अपलोड करने के लिए यहाँ पर फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उस PDF आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस और करेक्शन इन पैन डाटा, तो हमें यहाँ पर अपना डिटेल सब शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर लास्ट जो आपका आधार नंबर वहाँ पर डाला था, अब यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में 8 डिजिट नंबर है जो आधार कार्ड का, वो नंबर यहाँ
पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, आपका नाम वाम सब यहाँ पर फिल रहेगा, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर डिटेल्स चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके अपना सब डिटेल्स वगैरह अच्छी तरह से एक बार फिर से चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब बारी है आपका पेमेंट का, तो पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रो पेमेंट जो ऑप्शन है बीच वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 106.90 रुपये आपको अभी यहाँ पर पेमेंट करना है। उसके बाद हमें आई एग्री टू टर्म्स एंड सर्विसेज पर टिक कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब यहाँ पर आप देख सकते कन्फर्म पेमेंट, तो हमें यहाँ पर फिर से पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके ही पेमेंट करने वाली हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट से स्कैन कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर वेटिंग फर्दर रिस्पॉन्स फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेस होते ही यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते पेमेंट मैंने सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बारी है आधार ऑथेंटिकेशन करने का, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए हमें यहाँ पर आपको यूज़ माई आधार डिटेल्स पर टिक करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद OTP ऑथेंटिकेट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर आपके पास आधार कार्ड में नंबर लिंक है तभी आप इस प्रोसेस को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरा अभी OTP आने वाला है, जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर मुझे फिल करना है तभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस को कर सकती हूँ। तो यहाँ पर दो बार अटैम्प्ट कर सकती हूँ इस OTP को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर OTP मेरा आ चुका है, अब उस OTP को मैं यहाँ पर फिल कर देती हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते तो यहाँ पे कंटिन्यू विद ई साइन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद अब यहाँ पर एक इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन पैन सर्विसेज, तो आई हेयर बाई, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर जो OTP आएगा आपके पास उस OTP में यहाँ पर फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर आप देख सकते सक्सेसफुली OTP वेरीफाई, तो यहाँ पर आप देख सकते OTP वेरीफाई होते एक्नोलेजमेंट आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर उस एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, उस स्लिप को। उसके यहाँ पर आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है इसी तरह से आपको उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ओके करते आपका उस फाइल को यहाँ पर आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उस जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको मैं ओपन करके यहाँ पर लाइव दिखा रही हूँ, यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। जो आपने करेक्शन डेट ऑफ बर्थ डाला था वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। उसके बाद आपके 10-12 दिन के बाद आपके पास फिर से एक ईमेल आएगा। ईमेल में अगर आपका डिस्पेंसरी आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अभी मेरा यहाँ पर इससे काम हो जाएगा आधार कार्ड से ही, अभी मैंने फादर नेम करेक्शन किया है, ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पर ईमेल में 10-15 दिन के बाद आपको ईमेल में रिसीव हुआ। करेक्शन होने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी पैन अलॉटेड करके आएगा आपको ईमेल में, तो वहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तभी आपका वो पैन अलॉटेड जो पैन आया है आपके पास वो आपका ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड ओपन करके यहाँ पर एंटर करके दिखा रही हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर आप देख सकते मेरे पास ये पैन कार्ड आ चुका है करेक्शन होने के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको सब A to Z प्रोसेस बता दी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।